नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना खीर। ये व्रत में खाने योग्य होती है और अपन किसी भी व्रत में इसे बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चलिए देखते हैं इसे इसका तरीका क्या है। इसके लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है। जो दूध अपने घर में नॉर्मली होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ले लेते हैं 1 कप साबूदाना। ये साबूदाना मैंने भिगोकर 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिया था और फिर इसको अपन ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दूध को अपन ने यहाँ पहले गर्म कर लिया है, उसके बाद इस साबूदाने को अपन इसमें डाल लेते हैं और इसको बॉईल होने देते हैं। इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि जो अपना साबूदाना भीगा हुआ है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से अपन ने जो साबूदाना डाला है वो बहुत जल्दी इसमें फूल कर तैयार हो जाएगा। तकरीबन 7-8 मिनट इसको छोड़ने के बाद अपन यहाँ पे 1/2 कप चीनी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्रत में जब भी हम कुछ बनाते हैं तो कुछ मीठे की ज़रूरत होती है। यहाँ डाल लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने बादाम और काजू और यहाँ पे नारियल लिया है। ये इजीली सबके घर में अवेलेबल हो जाता है और इसको डालने पर बहुत अच्छा फ्लेवर अपने को मिल जाता है। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अपन यहाँ इसमें ऐड कर लेते हैं। हम कई तरीके की चीज़ें बनाते हैं व्रत में खाने के लिए और मीठे में हम कुछ हर बार अलग ढूंढ रहे होते हैं, तो चलिए इस बार तो अपन खीर ही बनाकर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है केसर का दूध। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच अपन ने दूध ले लिया है। ये दूध थोड़ा सा मैंने गर्म लिया है, उसमें थोड़ी सी 8-10 धागे मैंने केसर के डाल दिए हैं। उससे अपने को केसर की बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा रंग अपने को मिल जाता है। यहाँ इसे थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा बॉईल होने के बाद अपने को ये इस तरीके का मिलेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ डाल लेते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू मिल जाती है अपने को खीर में। ये देखिए, जो अपन ने केसर डाला था उसकी वजह से कितना अच्छा अपने को कलर मिल गया है। यहाँ अपनी खीर भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है यहाँ पर। अब अपन गैस को ऑफ कर देते हैं और ये खीर अपनी पूरी तरह से बनकर तैयार है और अपन इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं और अब ये खाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप इसे बनाइए, खाइए और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।